राज्यपाल के आदेश, प्रशिक्षण के बाद युवाओं को उनके गांव कस्बों में ही रोजगार उपलब्ध कराएं। मुख्य सचिव आर परशुराम की अध्यक्षता में आज इंदौर में स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की संभागीय समीक्षा बैठक संपन्न। और मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के स्थापना दिवस के अवसर पर सेमिनार का आयोजन। नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है, मैं हूं दीपा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राज्यपाल रामनरेश यादव ने गुरुवार को यहां आईसेक्ट और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बीच कौशल विकास के राष्ट्रीय कार्यक्रम पर केंद्रित फोल्डर का विमोचन किया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनसंपर्क मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा भी मौजूद थे। राज्यपाल रामनरेश यादव ने आज कौशल विकास के राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए आईसेक्ट और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की पार्टनरशिप का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में आईसेक्ट और इंटेल के बीच कंप्यूटर साक्षरता के लिए दोनों संस्थानों द्वारा हस्ताक्षरित किए गए एक एमओयू का भी आदान प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के स्थापना दिवस के अवसर पर आज आयोजित सेमिनार में पर्यटन क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस अवसर पर निगम के अध्यक्ष डॉक्टर मोहन यादव और उपाध्यक्ष संतोष जैन भी मौजूद थे। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। किसानों की मेहनत रंग लाई, किसानों से बोनस के साथ गेहूं खरीद में प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा गेहूं उपार्जन अभियान। मध्य प्रदेश देश में अव्वल, अब तक 56 लाख मेट्रिक टन गेहूं की खरीदी। ई गवर्नमेंस का सफल प्रयोग, 14 लाख किसानों का पंजीयन किया गया, SMS से सूचना दी गई। करीब 7200 करोड़ का भुगतान सीधे किसानों के खाते में। समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल 100 का बोनस राज्य सरकार द्वारा, 90% से अधिक उपार्जन, परिवहन और भंडारण। गेहूं का एक एक दाना हम खरीदेंगे, चिंतित मत होइए, हम आपके साथ। हर कदम पर किसानों के साथ मध्य प्रदेश सरकार। आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश समेत देश के अन्य राज्यों में इस साल गेहूं की भरपूर पैदावार हुई है। गेहूं की अच्छी फसल से किसानों के चेहरे पर इन दिनों खुशी की लहर देखी जा सकती है। ये खुशी ऐसी वैसी नहीं है बल्कि दोगुनी है। ऐसा इसलिए कि किसान को अब अपनी फसल को बेचने के लिए भटकना नहीं पड़ रहा है, उसे उसकी सही कीमत नहीं मिल पा रही है, बल्कि इसलिए कि मध्य प्रदेश सरकार उसके गेहूं को अच्छी खासी कीमत चुकाकर खरीद रही है। किसानों को इस बात की भी प्रसन्नता है कि राज्य सरकार ने उसकी गेहूं फसल की खरीदी के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं, कहीं कोई बाधा या कठिनाई नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। उपार्जन केंद्रों पर सरकार की ओर से ऐसा रिस्पॉन्स पहले कभी किसानों को नहीं मिला है। फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। किसानों की मेहनत रंग लाई, किसानों से बोनस के साथ गेहूं खरीद में प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा गेहूं उपार्जन अभियान। मध्य प्रदेश देश में अव्वल, अब तक 56 लाख मेट्रिक टन गेहूं की खरीदी। ई गवर्नमेंस का सफल प्रयोग, 14 लाख किसानों का पंजीयन किया गया, SMS से सूचना दी गई। करीब 7200 करोड़ का भुगतान सीधे किसानों के खाते में। समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल 100 का बोनस राज्य सरकार द्वारा, 90% से अधिक उपार्जन, परिवहन और भंडारण। गेहूं का एक एक दाना हम खरीदेंगे, चिंतित मत होइए, हम आपके साथ। हर कदम पर किसानों के साथ मध्य प्रदेश सरकार। आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आदिम जाति कल्याण मंत्री कुंवर विजय शाह ने बुधवार को सीहोर में पहुंचकर आमजन की समस्याएं सुनकर निराकरण के निर्देश दिए हैं। प्रभारी मंत्री ने जिले में बंजारा जाति समूह की आर्थिक तरक्की के लिए एक कार्य योजना बनाए जाने के निर्देश जिला कलेक्टर को दिए हैं। प्रभारी मंत्री ने कहा कि वे प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे बुधवार को सीहोर जिला मुख्यालय पर आमजन की समस्याओं को सुनेंगे। राज्य शासन ने मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की जिन रेत खदानों की ठेका अवधि समाप्त हो गई है, उन्हें निगम से वापस लेकर संबंधित जिला कलेक्टर के माध्यम से नीलाम करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से सभी कलेक्टर को अवगत करवाकर निर्देशित कर दिया गया है। शासन ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में जारी निर्देशों का अमल सुनिश्चित करने को कहा है। एमपी लाइव में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।